हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाविश फिजिक्स। तो अभी हम लोग स्टडी करने वाले हैं क्लास 11th में मोशन चैप्टर, जो कि फिजिक्स के काइनेमेटिक्स ब्रांच में आता है। उस मोशन चैप्टर में हम लोग स्टडी करने वाले हैं स्पीड एंड वेलोसिटी के ऊपर। तो स्पीड और वेलोसिटी एक्चुअली में क्या है, और इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने स्टडी किया है मोशन के इंट्रोडक्शन को, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल मोशन को स्टडी किया। फिर हम लोगों ने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को स्टडी करा। तो अगर आपने उन सारे लेक्चर्स को नहीं देखा है तो इन सारे लेक्चर्स का एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर यहाँ आई बटन पर मिल जाएगा। तो आप जाकर वहाँ देख सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया है, तो अभी हम लोग कंसेप्ट ऑफ स्पीड और वेलोसिटी को समझेंगे, ठीक है। तो उसको समझने से पहले देखिए कि एक चीज़ है जो मोशन हम लोग जानते हैं। मोशन एक्चुअली में क्या है, जब कोई ऑब्जेक्ट रिफरेंस या ओरिजिन पॉइंट के रिस्पेक्ट में अपने पोजीशन को चेंज करता है तो हम कहते हैं कि वो मोशन में है, ठीक है। अब जब वो मोशन में है तो उसके पास दो चीज़ होगी, एक डिस्टेंस होगा और दूसरा डिस्प्लेसमेंट होगा। तो दो चीज़ जब होगा, एक डिस्टेंस होगा, एक डिस्प्लेसमेंट होगा, तो यहाँ पर अब हम लोग समझेंगे कि मोशन में है तो हाउ मोशन इज मोशन फास्ट और स्लो, ये हम कैसे जानेंगे, ठीक है। मोशन फास्ट है या स्लो ये कैसे जानेंगे, ठीक है। इज मोशन फास्ट और स्लो, हाउ कैन वी नो। कैसे हम पता लगाएंगे कि मोशन फास्ट है या स्लो है, ठीक है, ये हम इसका पता हम कैसे लगाएंगे। तो इसके लिए हम काम क्या करेंगे, देखिए इसके लिए काम ये करना है, ठीक है। इसके लिए काम ये करेंगे कि एक कंडीशन लेते हैं। कंडीशन ये है कि ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। ए से बी की दूरी 100 मीटर, ए से बी कितनी दूर है 100 मीटर। मेरे पास तीन लोग, ठीक है, मेरे पास तीन लोग हैं। एक किड है, छोटा बच्चा है, दूसरा यंग बॉय, यंग, ठीक है, एक जवान लड़का है, और चौथा जो है, तीसरा जो है वो है ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी। इन तो तीनों को मैंने काम दिया कि आपको ए से बी जाना है, डिस्टेंस कितनी है तो 100 मीटर। तो एक चीज हमें हमारे पास फिक्स्ड है, डिस्टेंस यहां पर फिक्स्ड है तीनों के लिए 100 मीटर। हम क्या पता करने का कोशिश कर रहे हैं कि मोशन फास्ट है या स्लो, ये कैसे पता लगेगा। तो हमने क्या करा, एक डिस्टेंस ले लिया और तीन लोग चुन लिए, एक बच्चा है, एक जवान है और एक बूढ़ा आदमी। सबसे पहले किड को भेजा गया कि आप ए से बी जाइए 100 मीटर। तो ये यहाँ से यहाँ जाने में जो वक्त लगाता है वो है 25 सेकेंड, ठीक है। किड कितना वक्त लगाया, 25 सेकेंड। फिर उसके बाद बच्चा, फिर उसके बाद यंग, जवान लड़का। अब ये जवान लड़के को भेजा गया कि आप जाएं और 100 मीटर की दूरी तय करें, तो ये लगाता है, ठीक है, ये लगाता है 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में ये पार कर गया। अब बूढ़े आदमी का, अब बूढ़ा आदमी जानते हैं, ठीक है, बूढ़ा आदमी है तो इसके पास अब उतना एनर्जी है नहीं, तो ये कितना वक्त लगाता है, तो ये लगाता है टोटल 50 सेकेंड, ये 50 सेकेंड लगाता है यहां से वहां पहुंचने में। अब देखें तो हम पता क्या लगाने की मोशन फास्ट है स्लो, तो आप देख के ही बता सकते हैं कि किसका मोशन फास्ट है, किसका मोशन स्लो है। तो अब यहां पर देखें कि हर 100 मीटर हम लोगों ने टारगेट दिया था, हम लोगों ने टारगेट दिया 100 मीटर, एक 25 सेकंड में कवर कर रहा है, एक 10 सेकंड में कवर कर रहा है, एक 50 सेकंड में कवर कर रहा है। तो अब अगर हम कहें कि इसको कि एक मीटर मतलब एक सेकंड के लिए अगर हम काम करने का कोशिश करें, तो हम यहाँ डिस्टेंस 100 मीटर को डिवाइड दे देंगे किससे, 25 सेकंड से, तो पता चलेगा कि 4 मीटर जाएगा एक सेकंड में। इसके लिए अगर हम काम करें तो ये हो जाएगा 100 मीटर कितना सेकंड, 10 सेकंड, तो ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। और इसके लिए अगर हम काम करें तो इसके लिए हो जाएगा कितना,
तो 100 upon 100 meter upon 50 seconds, ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, 2 meter per second, ठीक है। तो अब देखें तो ये जो हमने पर सेकंड वाला जो कंसेप्ट यूज करा है, तो इससे साफ पता चला है कि ये एक सेकंड में 4 जा रहा है, ये एक सेकंड में 10 मीटर जा रहा है, और ये एक सेकंड में 2 ही मीटर जा रहा है। तो ये जो मैंने डिस्टेंस बाय टाइम वाला कंसेप्ट यूज किया है, इस डिस्टेंस बाय टाइम को हम लोगों ने एक स्पेशल नेम दे दिया, और उसी स्पेशल नेम को हम लोग क्या कहते हैं, स्पीड। और यही स्पीड हमें बताएगा कि मोशन फास्ट है या स्लो। तो स्पीड क्या है, बात समझ में आ रही है आपको, स्पीड क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। जब किसी भी डिस्टेंस को टाइम से आप, कोई एक डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को आप तय कर रहे हैं और कितना वक्त लगा रहे हैं, तो जब आप उस डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करेंगे तो आपकी स्पीड का पता चल जाएगा। तो स्पीड के लिए हम लोग काम कर सकते हैं, स्पीड का अगर हम डेफिनेशन लिखने का कोशिश करें तो हम लिखेंगे स्पीड। तो यहां पर देखिए टाइम के रेस्पेक्ट में क्या चेंज हो रहा है, डिस्टेंस चेंज हो रहा है, तो हम लिख सकते हैं टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। ठीक है, आपका दिल है कि नहीं एक और इसका डेफिनेशन लिख दिया जाए, तो इसका एक और डेफिनेशन अगर हम लिखें तो क्या लिख सकते हैं, रेशियो ऑफ, और करके ये दूसरा डेफिनेशन है, रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम इज कॉल्ड स्पीड। तो डिस्टेंस एंड टाइम इज कॉल्ड स्पीड। तो डिस्टेंस और टाइम, स्पीड का डेफिनेशन हम लोगों ने समझ लिया। इसका एसआई यूनिट क्या होगा, तो एसआई यूनिट हो जाएगा, एसआई यूनिट इज डिस्टेंस का मीटर, टाइम का सेकंड, तो मीटर पर सेकंड, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर सेकंड इनवर्स। सीजीएस यूनिट क्या होगा, तो सीजीएस यूनिट हो जाएगा इसका सेंटीमीटर पर सेकंड, या हम लिख सकते हैं सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं इसका m0 l1 t1। तो ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी हम लोगों ने लिख दिया। तो स्पीड क्या है, बात समझ में आ रही है आपको, व्हाट इज स्पीड। स्पीड में अब देखें कि डिस्टेंस कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, टाइम कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। तो यहां पर कोई भी वेक्टर नहीं है, तो स्पीड कैसा क्वांटिटी होगा, तो स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो स्पीड के बारे में कंसेप्ट ऑफ स्पीड हम लोग समझ गए। अब एक चीज और देखें, तो अगर हम बात करते हैं कि ये डिस्टेंस ना कहकर अगर हम डिस्प्लेसमेंट ले लें, ठीक है, इस डिस्टेंस को, ये डिस्टेंस था, लेकिन अब हम लोग क्या कह रहे हैं कि ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्टेंस था लेकिन अब क्या हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो अब जो भी काम हम लोग करेंगे वो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो जो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम है, ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, जो डिस्टेंस था वो डिस्टेंस नहीं है, वो हो गया डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या देगा आपको, तो इसके इस रेशियो के, यहां पर देखिए डिस्टेंस और टाइम था तो हमने इसका नाम क्या रख दिया, स्पीड। यहां डिस्टेंस नहीं है, डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम है तो इसका नाम हम लोगों ने रख दिया वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब देखिए डिस्टेंस का भी यूनिट क्या होता है, मीटर। डिस्प्लेसमेंट का भी यूनिट क्या होता है, मीटर। तो एसआई यूनिट इस डिस्प्लेसमेंट का भी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी का भी क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। सीजीएस यूनिट भी क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स। डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम, लेकिन जो वेलोसिटी का, वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी होगी, तो वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो स्पीड और वेलोसिटी में आप समझ गए, स्पीड और वेलोसिटी एक्चुअली में किस चीज को बताएगा, तो स्पीड और वेलोसिटी बताएगा कि मोशन कितना फास्ट है और कितना स्लो है। ये हम लोगों ने कैसे जाना,
तो हाउ कैन वी नो? बाय द हेल्प ऑफ स्पीड, बाय द हेल्प ऑफ वेलोसिटी। जहां पर डिस्टेंस टाइम होगा वहां पर स्पीड यूज करेंगे, जहां पर डिस्प्लेसमेंट टाइम होगा वहां पर हम लोग वेलोसिटी यूज करेंगे। स्पीड और वेलोसिटी में बस एक डिफरेंस है कि ये स्केलर क्वांटिटी होता है और ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। समझ गए, अगर आपको वेलोसिटी का डेफिनेशन लिखना है तो कोई चीज, कोई बड़ी चीज नहीं है, इसी डेफिनेशन को लिखेंगे और डिस्टेंस के जगह पर बस डिस्प्लेसमेंट फिट कर देना है। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो इस तरह से आप वेलोसिटी के लिए भी डेफिनेशन लिख सकते हैं और स्पीड के लिए भी डेफिनेशन लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा स्पीड और वेलोसिटी के ऊपर लेक्चर। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इन सब चीज़ों के ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें, गुड बाय एंड खुदा हाफिज़।